खुदर के नगर के मदरसा बशीर उलूम में बड़ी संख्या में उलेमा जमा हुए। उन्होंने यती नरसिंहानंद के खिलाफ थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उलेमाओं ने कहा कि ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। यती नरसिंहानंद जैसे लोग शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, ऐसे महंत सनातन धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आगे को किसी धर्म पर कोई भी अभद्र टिप्पणी ना कर सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में उलेमा मौजूद रहे। ये डासना में जो गाजियाबाद है वहाँ पर एक महंत के नाम से मशहूर है, महंत क्या पाखंडी है नरसिंहानंद, वो उन्होंने पहले भी 3 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो है आपत्ति तरफ टिप्पणियाँ की थी, अब फिर की हैं। तो ऐसे लोग जो है देश के माहौल को ख़राब करते हैं और भावनाओं को याद करते हैं, और जाहिर सी बात है किसी भी धर्म की जब भावनाएँ याद होंगी लोगों की तो इससे देश का माहौल ख़राब होगा। तो हमने इसी मुतालिक जो है ज्ञापन दिया है ताकि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो नरसिंहानंद है उसके जो साथी हैं वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सरकार उन पर लगाम लगाएं ताकि देश का माहौल ख़राब ना हो, सब कुछ अच्छे से रहे। इसलिए हमने इस ज्ञापन को प्रशासन को क्या मांगे की गई हैं ज्ञापन में? मांगे ये की गई हैं कि नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो उसके साथी हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, और प्रशासन इस तरह के मामला पैदा करे मुल्क के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारे, कि कोई भी उठकर हर 15वें दिन 20वें दिन अब तो ये हो गया है कोई ना कोई गुस्ताखी कर देता है, किस पर लगाम लगाई जाए ताकि माहौल ख़राब ना हो।